आज 10 जुलाई 2023 सावन के महीने के पहले सोमवार के दिन करें एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय। जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। वर्षों में मिलता है ये सुनहरा मौका। दोस्तों, सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। सावन महीने के प्रथम सोमवार का व्रत आज 10 जुलाई को पड़ रहा है। दोस्तों, ये व्रत भारत ही में नहीं विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए रखेंगे। भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ उपाय करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही सोम अष्टमी भी पड़ रही है, जिसका शुभ मुहूर्त आज शाम 6:44 तक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आज आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रहे हैं और व्रत के साथ साथ आपने एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों ना केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको हाथों हाथ आज ही के दिन मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। शिव पुराण के अनुसार अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने नियम पूर्वक कुछ उपाय कर लें तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जरा एक बात को समझ लीजिए। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा कर ले तो मान के चलिए उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा जाता है कि सावन के महीने का जो सोमवार का व्रत होता है, इसका अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर ले तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की उसको असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन के सोमवार के वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और जो भी व्यक्ति उनके लिए व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ की भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा है। और कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। दोस्तों, सावन के महीने को तो भाग्य उदय करने वाला भी महीना बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, गरीबी से बहुत परेशान हैं, किसी बीमारी ने आपको जड़ लिया है, जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं और अब आप हार चुके हैं, तो दोस्तों चाहे जैसी भी दिक्कत हो और चाहे जैसी भी परेशानी हो, बस आपको सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है और आपको अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपने आज के दिन कर लिया दोस्तों एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय, जो आपको हम बताने रहे हैं शिव पुराण के अनुसार, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी जरूर लगेगी इस उपाय को करने के बाद। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। चावल को सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है। और दूसरी तरफ जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर आप बेलपत्र का उपाय करेंगे तो आपकी जो पूजा होगी वो तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके तुरंत ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आज सावन का प्रथम सोमवार व्रत भी है और आज सोम अष्टमी भी है, जिसका शुभ मुहूर्त 6:44 तक है। और अगर आपने शिव पुराण के अनुसार एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में आप एक खुशहाल जीवन जियेंगे और इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था,
वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय, और इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा होगी, आज के दिन यह उपाय करने के बाद वो जरूर पूरी होगी। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक मुट्ठी चावल चाहिए। चावल कौन सा होना चाहिए? बिना टूटा फूटा होना चाहिए, वरना टूटे फूटे चावल का आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। दूसरा, आपको एक लोटा जल चाहिए होगा। आपको तीन पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए। तीन पत्ते वाला बेलपत्र मतलब एकदम चिकना बेलपत्र होना चाहिए, कटा पिटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6:44 से पहले, मतलब शाम के 6:44 से पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले अपना मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एक लोटे जल से करना है। फिर शिवलिंग पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। फिर एक मुट्ठी चावल के ऊपर आपको तीन पत्ते वाला बेलपत्र इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर आपको हाथ जोड़ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय विधि विधान से अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में आप जो भी धन पाएं उसमें वृद्धि हो, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको बताना रहे। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, उसको आपको पूरा शुद्ध गंगा जल से भरना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसमें आपको डालना है दोस्तों 11 चावल के दाने। अब आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। ध्यान रखिएगा यह उपाय शाम 6:44 से पहले आपको करना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले इस शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं। फिर शिवलिंग से आपको ये सफ़ेद कपड़ा जिसकी आपने पोटली बनाई है, जिसमें एक मुट्ठी चावल आपने डाला है, इस पोटली को शिवलिंग से छुआना है। इस पोटली को उठा करके लाना है, अपने घर के तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये पोटली जो आपने अपनी तिजोरी में रखा है, मान के चलिए ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। ये एक तरीके से चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको शनि दोष है, मंगल दोष है, आप अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको आज के पूरे दिन में यह उपाय 6:44 से पहले करना है। और यह उपाय के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। एक लोटे शुद्ध जल में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं, और आपको लेना है एक सफ़ेद कपड़ा, उसमें दो लोटा चावल डालना है। इस सफ़ेद कपड़े के साथ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले आपको यह करना है कि एक लोटा जल अर्पित करना है। एक लोटा जल अर्पित कीजिए, और ये जो सफ़ेद कपड़े में आपने दो लोटा चावल डाला है ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भर अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए शनि दोष हो, मंगल दोष हो, या किसी भी प्रकार का दोष हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपका दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने जड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 6:44 से पहले 11 बेलपत्र लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, चंदन ले लीजिएगा, चंदन से उस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, और ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। मान के चलिए सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आज पूरे दिन में आपको एक लोटा शुद्ध दूध लेना है। उस लोटे में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं, और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के इससे भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। ध्यान रखिएगा अभिषेक करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इतना भर उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।